प्रतापगढ़ में एक बार फिर से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने चंदन सरोज नामक एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका एक साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। मामला कड़ा थाना के बसवाही गांव का है, जहां मानिकपुर इलाके से बाइक और मोबाइल लूटकर भाग रहे बदमाशों का पुलिस पीछा कर रही थी। इस दौरान पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी बदमाशों के ऊपर आत्मरक्षा हेतु फायर किया, जिसके बाद एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और वो जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद घायल अवस्था में बदमाश को पुलिस ने कस्टडी में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, उसका उपचार किया जा रहा है। हालांकि इस दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर एक बदमाश भागने में सफल रहा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हिरासत में लिए गए बदमाश का नाम चंदन सरोज है, जो कि कोतवाली के कई मामलों में वांछित चल रहा था। उसके भागे हुए साथी की तलाश भी पुलिस कई जगहों पर कर रही है। ये आज शाम थाना मानिकपुर में एक मोटरसाइकिल लूट की सूचना मिली थी और थाना कुंडा में एक मोबाइल लूट की सूचना मिली थी, जिस पर कई थानों की फोर्स ने तत्काल घेराबंदी करके जगह जगह चेकिंग लगाई। इसी दौरान बसवाही के ऊसर के पास अभियुक्तों की सूचना मिली, जिस पर थाने की पुलिस ने कॉम्बिंग चालू किया, जिसमें बदमाश की ओर से एक गोली चलाई गई। सुरक्षार्थ जो है पुलिस के द्वारा भी गोलियां चलाई गई, जिससे कि बदमाश के पैर में गोली लगी है और बदमाश को तत्काल जिला चिकित्सालय उपचार के लिए लाया गया है। बदमाश ने पूछताछ में बताया कि इसका नाम चंदन सरोज है, पूर्व में भी ये इसके खिलाफ दो आपराधिक मामले लूट के मामले दर्ज हैं और आज की घटना में इसके जो गिरफ्तारी करके अनुमति कार्रवाई की जाएगी। इसका एक साथी था जो कि मौके से फरार हो गया, उसके लिए कॉम्बिंग जारी है। इसके पास से क्या क्या बरामद हुआ है? इसके पास से एक इधर प्रयागराज की बहरिया थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने चेक का क्लोन बनाकर फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग का खुलासा किया है और पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। उनके पास से 7.5 लाख रुपए का नगद मिला है, जबकि 3 मोबाइल और 3 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। हालांकि गैंग का मुख्य सरगना फिलहाल फरार है। कुछ अभियुक्त पकड़े गए हैं, किस तरीके से ये फ्रॉड करते थे, चीटिंग करते थे, क्लोन करके इन्होंने फ्रॉड किया था बारिया इलाके में, क्या है पूरा मामला? आज बहरिया पुलिस प्रयागराज को एक सफलता मिली है, जिसमें ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और उनके पास से करीब 7.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं और 3 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। इन्होंने विगत दिनों एक महिला के खाते में से 24.5 लाख रुपए चेक का क्लोन करके ट्रांजेक्शन करवा लिया था। इसमें जो तफ्तीश हुई है उसमें जानकारी ये मिली है कि ये चेकबुक का क्लोन तैयार करते थे, साथ ही साथ ये सिम का क्लोन भी तैयार करते थे और जिसके माध्यम से ये ऑनलाइन और फिजिकली ठगी का काम करते थे। इसमें एक व्यक्ति फरार है अभी, महेंद्र कुमार, जिसको शीघ्र ही पुलिस पकड़ेगी और इसके विभिन्न पक्षों की जांच कर आपको सूचित किया जाएगा। सर, जिस तरीके से पूरा ये फ्रॉड क्लोनिंग को लेकर के किया गया है, पकड़े गए तीनों आरोपी इतने शातिर थे कि इन्होंने रिटायर्ड स्वास्थ्यकर्मी गीता शर्मा के बैंक खाते से 2 फर्जी चेक लगाकर 24.5 लाख रुपए निकाल लिए। गीता ने इसकी शिकायत पुलिस में दी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू की थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रतापगढ़ से ब्रजेश मिश्रा और प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट।